तो भाई बहुत सारे लोग जो हैं बजट स्मार्टफोन लेने का सोचते हैं, और ये 10,000 वाली जो रेंज होती है ना, ये बड़ी हॉट टॉपिक वाली जो रेंज होती है, क्योंकि इस रेंज में काफ़ी सारे स्मार्टफोन हमें जो है हर महीने देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जो है हमारे पास लेटेस्ट लॉन्च जो है रेडमी की तरफ से, रेडमी 12C जो है हाथ में आ चुका है। हालांकि इस फ़ोन को मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले ही अब फ़ोन आ जाते हैं। अब आपके भाई की जो है थोड़ी सी बातचीत ऊपर हो गई है, मालूम है तेरे बाप को। इसका रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अब हम YouTube पे काफी कंसिस्टेंट हो गए हैं। आप लोग नोटिस शायद कर रहे होंगे कि हम एक के बाद एक वीडियोस जो है डाले जा रहे हैं, फोन के रिव्यूज करे जा रहे हैं। तो हमारे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में मुझे हाय हेलो बोल दो यार, मुझे आप लोगों को देखना है, चेकआउट करना है कि भाई कितने लोग जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे वो अभी भी हमारे साथ हैं या नहीं है। प्लीज कमेंट कर देना अगर आप हमें काफी टाइम पहले से देखते आ रहे हो तो। तो बिना टाइम वेस्ट के इसका रिव्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं, उसके बाद जितना भी मुझे चीजें लगी हैं इसके प्रोस कॉन्स वो सारी चीजें शेयर करूंगा। तो भाई बॉक्स की बात करें तो भाई टिपिकल रेडमी का बॉक्स आपको मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट में ही बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाता है फोन, और उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल, 10 वॉट का चार्जर मिल जाता है, और सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। जब यहाँ पे कुछ ब्रांड 10-12 हज़ार रुपए में भी चार्जर निकाल के फेंक रही है, लेकिन यहाँ पे रेडमी जो है वो स्टिल जो है चार्जर दे रहा है। तो मेरे हिसाब से चार्जर होना जो है बॉक्स में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई है। तो इसके अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो इसका जो बैक है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, फ्रेम वगैरह भी आपको पूरी प्लास्टिक में मिल जाती है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो स्ट्रिप डिजाइन में है, तो थोड़ी सी यूनिक वाली फीलिंग आपको दे देगा। हाथ में पकड़ने में नो डाउट काफी कूल सा लगता है, एक यंगर जनरेशन को जो है टारगेट किया है Redmi 12C के थ्रू। इसमें आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। वैसे मुझे ये लेवेंडर वाला जो है ये कलर ज्यादा सही लगा है, और अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से टिंट वगैरह करते हो तो इसके स्ट्रिप्स जो है थोड़े से शाइन भी मारते हैं, तो एक अच्छा यूनिकनेस जो है आपको मिलता है। बैक साइड में यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको पीछे मिल रहा है, साइड माउंटेड वगैरह नहीं है, वही थोड़ा सा पुराना वाला जो है आपको मिल जाता है। लेकिन ये है कि यार थोड़ा सा ऊपर है ज्यादा ही, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ ना तो मुझे फिंगर को पुश करना पड़ता है। और सेकंड थिंग, इसकी ये कैमरे पे भी जो है कभी कभी निशान हाथ के पड़ जाते हैं, क्योंकि जो है कैमरे के बगल में जो है ये दिया हुआ है। अगर इसको यहाँ कहीं नीचे दे देते जो पुराने रेडमी के फोन आते थे तो और अच्छा होता, लेकिन डिजाइन को जो है मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने कैमरा बम्प पे ही जो एक तरीके से फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है। राइट साइड में वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, पावर ऑन ऑफ के बटन, नीचे आपको जो है माइक्रो यूएसबी मिल जाता है। अब पता नहीं यार ये किस जमाने में रह रहा है, माइक्रो यूएसबी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। आई नो इसका प्राइस कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है। स्पीकर मिल जाता है, माइक मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको सिम जो है ट्रे मिल जाती है जहां पे आप डुअल सिम कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर आपको थैंक गॉड हेडफोन जैक नहीं हटाया तो वो मिलता है, लेकिन एक चीज जो रेडमी के फोन से हटा दी गई है वो है भाई आयर ब्लास्टर। भाई मैं तो आयर ब्लास्टर काफी यूज करता था, रिमोट वगैरह भूल जाओ तो फटाफट एसी को इसी से टर्न ऑन टर्न ऑफ कर लो, लेकिन आप वो चीज आप इससे नहीं कर सकते। वही फ्रंट में आपको ऐसा ड्रॉप नॉच वाला जो है नॉच देखने को मिलता है, और ये भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ही है, काफी टाइम से जो है डिजाइन आ रही है, तो डिजाइन में इतने चेंजेस नहीं है। स्क्रीन पे आपको बेजल्स वगैरह कुछ इस तरीके से इतनी जो है देखने को मिल जाएगी, और ये फोन IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो वाटर रेजिस्टेंस है, हल्का फुल्का पानी है झेल जाएगा। अब इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो स्पीड भी जो हम चेक कर लेते हैं, तो जैसे ही मैं टैप करूंगा ये खुल रहा है, तो ज्यादा टाइम ये नहीं लगाता है, फटाफट से जो ये ओपन हो जाता है, तो स्पीड वगैरह इसकी काफी अच्छी है। अब बढ़ते भाई इसके डिस्प्ले पे, तो इस पे जो डिस्प्ले दिया हुआ है वो काफी बड़ा है, 6.71 इंच का है, लेकिन LCD डिस्प्ले है, और थोड़ी सी कमी मेरे को मिली है ये नॉच के पास में जो है, थोड़े से ऐसा लगता है कि डिस्प्ले से कुछ निकल रहा है, वो हल्का सा ब्लैकिश टाइप का जो है फॉर्म आ जाता है। ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में जो LCD डिस्प्ले होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम फील होती है, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है Redmi 12C में भी। हाँ, अगर आप इस बजट में एक बड़ा स्क्रीन वाला फोन लेना चाहते हो, आप Netflix, Prime, YouTube या काफी ज्यादा कॉन्टेंट देखते हैं, तो आपको इसमें जो है देखने में मजा आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक क्वालिटी है डिस्प्ले की वो मुझे ठीक ठाक सी लगी है। एकदम AMOLED वाला तो आप उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना, लेकिन ये कि आप आराम से कोई भी कंटेंट देख सकते हो, फोन की स्मूथनेस भी जो है आपको अच्छी मिल जाती है, और हाँ इसमें कोई आपको हाई रिफ्रेश रेट वगैरह भी नहीं मिलता है, ये नॉर्मल 60Hz पर चलता है। फोन अभी काफी सारे ऐसे हो गए जो हाई रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं, तो जब चलाते हो उसको तो काफी फास्ट चलते हैं, लेकिन जब आप 60Hz पर शिफ्ट करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे हो रही है, ऐसा लगता है कि फोन काफी हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है क्योंकि मेरे दिमाग में 120Hz जो है चल रहा है। लेकिन यहाँ पे फोन वगैरह की जो स्मूथनेस है वो आपको जो है ठीक ठाक मिल जाती है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह डिस्प्ले का काफी बढ़िया है। ब्राइटनेस वगैरह की बात करो तो भरी धूप में भी आप जो है फोन को अच्छे से यूज कर सकते हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। AMOLED नहीं है, चलता है, लेकिन इसमें अगर 90Hz वगैरह डाल देते तो मजा आ जाता। अब बात करते हैं भाई प्रोसेसर और उसकी स्पीड की, तो इसमें आपको MediaTek का G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 9nm जो है चिपसेट पे बेस्ड है, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इस प्राइस रेंज में आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। इसको जो है मैंने दो टाइप से यूज किया, नंबर 1 नॉर्मली इस फोन को यूज करा, यानी सोशल मीडिया एप्स यूज करें,
वीडियोस वगैरह देखी या फिर बहुत सारे फोन कॉल्स वगैरह भी जो मैंने इसमें लिए, हीटिंग वगैरह उस टाइम पे मुझे ज्यादा फील नहीं हुई है। एप्लीकेशन हैंग लैग होने की भी दिक्कत मुझे ज्यादा फील नहीं हुई है। हालांकि आप काफी सारी एप्लीकेशन अगर बैकग्राउंड में यूज कर लेते हो तब जाके अगर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल वगैरह करते हो तो वो हल्का सा जिटरनेस आपको जो है फील हो जाता है, लेकिन काफी सारी ऐप खुली हो तभी ये चीज जो है आपको फील होगी। अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो एसफॉल्ट वगैरह इसमें मैंने अच्छे तगड़े तरीके से खेल के देखा है। गेमिंग आप कर सकते हो इसमें, लेकिन ज्यादा हाई ग्राफिक की उम्मीद मत रखना। बट ये कि भाई एसफॉल्ट में ये फोन जो है ज्यादा हैंग हुआ ही नहीं है, नॉर्मली अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो इसकी बोलूंगा एवरेज टाइप की दे दी है, जिसको देख के मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। प्राइस के हिसाब से बोलूंगा कि भाई परफॉर्मेंस वाइज ये ठीक ठाक जो है परफॉर्म कर देता है। रैम की बात करें तो दो रैम ऑप्शन मिल जाते हैं, 4GB और 6GB। मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये फोन ले रहे हो तो 6GB रैम ले लेना, क्योंकि 4GB कम पड़ जाती है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 6GB थोड़ी सी कम पड़ जाती है अगर काफी सारी ऐप बैकग्राउंड में खुली है तो। वैसे इसमें आपको जो है MIUI डायलर इनबिल्ट मिल जाता है, आपको इसमें गूगल डायलर वगैरह जो है मजबूरी में यूज करने की जरूरत नहीं है, आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हो। अब बढ़ते भाई कैमरे पे, तो बैक साइड में डुअल कैमरा मिल रहा है। जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का AI बेस्ड कैमरा बोला गया है, और जो दूसरा कैमरा है वो क्यों है मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि 0.08 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो कि मतलब मेरे को कोई भी यूज में नहीं आया। लेकिन जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है उसके थ्रू आप इमेज वगैरह जो है काफी बढ़िया निकाल लेते हो। प्राइस के हिसाब से मुझे क्वालिटी काफी सही लगी है। अगर काफी अच्छी लाइट्स आपको मिल रही है तब आप जो है इससे डिसेंट इमेजेस वगैरह निकाल सकते हो। एक्सपोजर लेवल वगैरह बोलूंगा थोड़ी हायर साइड पे, लेकिन डायनेमिक रेंज इस बार मैंने देखा है कि इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू शाओमी वालों ने थोड़ा सा अच्छा जो है कर दिया है, तो यहाँ पे क्वालिटी आपको इमेज की काफी बढ़िया मिल जाती है। वाइड एंगल सेंसर वगैरह इसमें नहीं है, तो अगर आप लो लाइट में इमेज ले रहे हो तो तब भी आप ठीक ठाक से इमेज जो है निकाल लोगे। कैमरे को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी मत रखना कि बहुत हाई क्वालिटी की इमेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये एक चीज नोटिस करिए कि अगर इसको अच्छी लाइट मिल जाए ना भरपूर सी, तो इसके जो AI बेस्ड कैमरा है वो सच में इमेज की क्वालिटी को काफी इंक्रीज कर देता है, और आप उसको सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट भी कर सकते हैं। वही अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करता हूं तो 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, और इसके थ्रू आप डिसेंट सी जो है सेल्फीज निकाल सकते हो। इसमें आपके स्किन वगैरह काफी ग्लो होती हुई मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली शाओमी है तो ऐसा नेचुरल इमेज आपको नहीं देखने को मिलेगी, जो कि काफी सारे लोगों को पसंद भी आती है कि यार ग्लो होनी चाहिए स्किन। तो आप जो इससे ठीक ठाक जो है इमेज निकालोगे, डिटेलिंग वगैरह आपको जो इसमें मिस होती हुई फील हो जाएगी। डायनेमिक रेंज की तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, बस ये कि आप सेल्फी ले रहे हो नॉर्मल सेल्फी आ जाएगी, थोड़ा सा व्हाइट सा जो है आपका फेस देखने लगेगा। अब बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी के साथ में ये फोन आता है, तो इसकी जो बैटरी टेस्ट हमने किया है तो करीब करीब 1 दिन तक जो है इसकी बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, गेमिंग वगैरह काफी ज्यादा कर रहे हो, तो आपको बीच में इसको एक बार चार्ज करना पड़ेगा। 5000 mAh बैटरी के हिसाब से फोन जो है ज्यादा मोटा भारी सा नहीं है, काफी स्लिम ट्रिम सा ये फोन है। 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है, तो करीब करीब 2-2.5 घंटे ये लेता है इस फुल चार्ज होने में। चार्जिंग स्पीड मेरे को जो है काफी स्लो लगी है। तो भाई ये फोन 12,000 रुपए के अंदर में आता है, और उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ओवरऑल वो मुझे डिसेंट सी लगी है। इस प्राइस रेंज में अगर आपका बजट है तो आप Redmi 12C ले सकते हो, स्टाइलिश है, दिखने में काफी कूल लगता है। परफॉर्मेंस इसकी जो है मुझे स्टेबल लगी है, वो मुझे जो है काफी अच्छा ऑप्शन लगा है। 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा आपको अच्छी डिसेंट इमेज निकाल के दे देगा। उसके साथ साथ में गूगल डायलर जो है काफी लोगों को नहीं चाहिए होता है, उनको MIUI डायलर चाहिए होता है, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है वॉइस की, तो आप उसके लिए भी जो है इसको प्रेफर कर सकते हो। तो गाइज अगर इस फोन को आप लेना चाहते हो या कोई भी अदर फोन को लेना चाहते हो, तो मैंने आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट्स को जो है टैग कर दिया है, वहां से जाके जो है प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था फुल डिटेल रिव्यू Redmi 12C के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी वीडियो आप और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई मैं जो हूँ अब रेगुलर हो चुका हूँ YouTube पे, आप देख ही रहे हो काफी एक के बाद एक जो है वीडियोस आ रही है। तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कॉमेंट जरूर कर देना भाई, हाई हेलो कर दो हमें, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे लगे कि भाई हमारी जो ऑडियंस जो पहले थी वो अभी भी बरकरार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।